गाइज, यदि आप लोग को Xiaomi के किसी भी स्मार्टफोन लाइक MI, Redmi या फिर Poco में वाईफाई कॉलिंग का फीचर देखने को नहीं मिल रहा तो फिकर नोट, मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से इस फीचर को इनेबल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अपने डायल पैड में टाइप करें ****8658*#*#*, उसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, वोल्टी करियर चेकबॉक्स डिसेबल, यानी कि यह डिसेबल था और अब इनेबल हो गया। दोबारा टाइप करें ***8694*#*#, इस बार आपको जो है वो वाईफाई चेक वाज डिसेबल्ड, तो यहाँ पे वो वाईफाई करियर डिसेबल था और अब इनेबल हो गया है। वापस से सेटिंग में जाकर के सिम कार्ड मैनेजर में और अपना सिम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वाईफाई कॉल का फीचर इनेबल देखने को मिलेगा। ओके, तो यह सिंपल सा तरीका था वाईफाई कॉल किसी भी Xiaomi के स्मार्टफोन में इनेबल करने का। अब ये जो डिवाइस है मेरे हाथ में Xiaomi का Redmi Note 7 स्मार्टफोन है। आप चाहो तो वोल्टी प्रोविजन भी चेक कर सकते हो। इसके लिए सीक्रेट कोड है ***4636*#*#। यह कोड किसी भी Xiaomi के स्मार्टफोन में वर्क करता है। तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट सेटिंग में जाकर के डिवाइस मॉडल जो है हमारा Redmi Note 7, आप चाहो तो Redmi 5 पे, किसी भी ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट स्मार्टफोन में आप यह ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको तीनों कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वोल्टी कॉल प्रोविजन चेकिंग का, वोल्टी करियर इनेबल और डिसेबल करने का, और साथ ही वो वाईफाई करियर इनेबल और डिसेबल करने का। वोल्टी और वो वाईफाई कॉल आपको इनेबल और डिसेबल करने के लिए उसी सीक्रेट कोड को दोबारा टाइप कर देना है। प्रीफर नेटवर्क सेटिंग करने के लिए आपको फ्लाइट मोड में जाना पड़ता है। अब हो सकता है वाईफाई कॉल फीचर इनेबल करने के बावजूद आपके Xiaomi के स्मार्टफोन में यह फीचर फिलहाल स्टेबल ना हो, तो फिकर नोट, वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट, स्टेबिलिटी के साथ अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको वो वाईफाई करियर डिसेबल करने का प्रोसेस बता देता हूँ। उसके लिए आपको वापस से वही कीवर्ड को टाइप करना है, ***8694*#*#। टाइप करते ही आपको एक पॉपअप मिलेगा, वो वाईफाई करियर चेक वाज इनेबल, इनेबल था अब डिसेबल हो गया। आप वापस से सेटिंग में पाएंगे यह फीचर डिसेबल हो गया है। अब इस वीडियो से जुड़ी कोई समस्या आती है या फिर पूछनी हो कोई सवाल या देना हो सुझाव तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमें आपकी मदद कर खुशी होगी।